कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में एक वैश्विक समस्या के तौर पर पहले से देखा गया था, लेकिन अब दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया भर में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इटली में जहां कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 10,000 के पार पहुंच गया, तो वहीं स्पेन में भी कोरोना से अब तक 5,982 लोगों की जान जा चुकी है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस ने इटली और स्पेन समेत तमाम देशों को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। दुनिया भर में 6,62,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में अब तक कुल 1,24,217 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,185 पर पहुंच गई। इसके अलावा पुर्तगाल में भी कोरोना वायरस से अब तक 100 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही में 5,170 पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। बिगड़ते हालात की वजह से देश के ज्यादातर इलाकों में इमरजेंसी अब लगा दी गई है।